विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सही का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यह प्रैक्टिस सेट संख्या 13 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य सही का यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सही का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट संख्या 13 है। एक प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं और इसमें कुल 100 क्वेश्चन है। जैसे ही 25-25 करके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है, एक फुल प्रैक्टिस सेट भी दे दे रहा हूँ। तो यूपी मुख्य सही का यूथ कंपटीशन टाइम्स फुल प्रैक्टिस सेट भी, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है 100 क्वेश्चन की और 25-25 क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मटेरियल मिलते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ संदर्भ प्रोटीन माना जाता है। संदर्भ प्रोटीन मतलब एक तरह से संपूर्ण प्रोटीन मानिए, तो कौन सा भोज्य पदार्थ संदर्भ प्रोटीन मिलता है, तो वह है अंडा। अंडा में संदर्भ प्रोटीन मिलता है, संदर्भ मतलब संपूर्ण प्रोटीन, क्योंकि इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में होते हैं और प्राणी जगत के जो भी प्रोटीन होते हैं, जैसे मान लीजिए जो जानवरों से जो प्रोटीन मिलता है वह प्रोटीन उत्तम कोटि का माना जाता है, ऐसा एलोपैथ में है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, सभी प्रकार के शर्करा का सरलतम रूप क्या है। देखिए शर्करा कई रूप के होते हैं, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, तो सबसे शर्करा का जो सरलतम रूप है वह है ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत जल्दी ऊर्जा देता है, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल है, तो आवश्यक वसी अम्ल क्या है, शिशु के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल कौन सा है, तो आर्किडोनिक अम्ल। आर्किडोनिक अम्ल जो होता है शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अम्ल है, आर्किडोनिक अम्ल, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना निम्नलिखित में से किस बजट का उद्देश्य होता है, तो किस बजट का उद्देश्य होता है, तो विकल्प सी जेंडर बजटिंग का, जेंडर बजटिंग का उद्देश्य होता है विकल्प सी। तो देखिए राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी विषमता का समाधान करना जेंडर बजटिंग का उद्देश्य होता है, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है। देखिए हिंदू समाज में विवाह क्यों होता है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका कई, उसमें 3 उद्देश्य होते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा उसका क्रम क्या है, धर्म प्रजा रति, यह इसका सबसे अच्छा क्रम है। मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वह धर्म के लिए होता है हिंदू समाज में विवाह, फिर प्रजा के लिए मतलब संतान उत्पत्ति के लिए, और रति मतलब आनंद के लिए, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, सेवा विवाह का प्रचलन निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाया जाता है। देखिए सेवा विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसमें जो वधु पक्ष के जो माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनकी सेवा करके, जब वर उनकी सेवा करता है कुछ महीने या कुछ साल तक, तो फिर उस परिवार की जो कन्या होती है उससे उसका विवाह हो जाता है। तो ऐसा जो सेवा विवाह है वह किस जनजाति में ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसमें विकल्प सी जो है आपका सही है, बिरहोर। बिरहोर में सेवा विवाह, देखिए गोंड बिरहोर और बैगा जनजातियों में सेवा विवाह होता है, गोंड बिरहोर और बैगा जनजातियों में सेवा विवाह, देखिए गोंड और बिरहोर में तो होता ही है, और साथ ही बैंगा जनजाति इन सभी जनजातियों में सेवा विवाह होता है। सेवा विवाह का क्या मतलब होता है, लड़का जो होता है लड़की के घर जाकर सेवा करता है उनके माता पिता की, और उसके बाद कुछ महीने कुछ साल सेवा कर लेता है, तब उस लड़की का विवाह होता है, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, सुरोगेट विवाह होता है, सुरोगेट विवाह क्या होता है, तो सुरोगेट विवाह क्या होता है, मृत पत्नी की बहन और विधुर पुरुष के बीच विवाह जो होता है, मतलब जीजा और साली का जो विवाह होता है वह सुरोगेट विवाह कहलाता है, लेकिन और देवर भाभी आदि का विवाह जो होता है वैसे कि, तो वह आपका लिवरेट विवाह कहता है, लेवी रेट और यह सोवोरेट विवाह होता है। प्रश्न 8 देखिएगा, एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता के सम्मिलित कहलाते हैं, क्या होते हैं, तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं, तो यह आपको बताता है पुनर्रचित परिवार। एक परिवार इकाई जिसमें तलाक और विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता, जब एक या अधिक सौतेले माता पिता पिता होते हैं और फिर उनके बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, तो उन्हें पुनर्रचित विवाह कहते हैं, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। सोशियोलॉजी संबंधित बहुत सारे फैक्ट इसमें हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए सोशियोलॉजी को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया, नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में किस समाजशास्त्री ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, तो डॉक्टर इरावती कर्वे जो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है नातेदारी व्यवस्था में, तो विकल्प बी जो है आपका सही है, 9 का बी। प्रश्न 10 देखिएगा, संघर्षरत
दंपति को न्यायिक पृथकता अधिनियम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? तो संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिनियम 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए मान्य है, 2 वर्ष के लिए। ऐसे पति पत्नी के बीच जब पट नहीं रहा है, दोनों संघर्षरत हैं न्यायालय में, तो न्यायिक पृथकता कितनी अवधि के लिए दी जाती है? तो 2 वर्ष के लिए। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय श्रम संघ अधिनियम जो है 1926 में पारित हुआ था, 1926 में। विकल्प सी ए जो है वो आपका सही है, 1926 में पारित हुआ था। प्रश्न 12 देखिएगा, इस समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं तथा द्वारा उत्पन्न जीवित बच्चन में बच्चों की औसत संख्या को कहा कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रजननता दर कहते हैं। एक समाज में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं और उसे उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या जो होती है उसे प्रजननता दर कहते हैं। तो विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने असरों से गुजरती है? जनसंख्या वृद्धि जो है कितने असरों से गुजरती है? तो 5 असरों से गुजरती है जनसंख्या वृद्धि। 5 असरों से गुजरती है। विकल्प डी जो है वापस सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है NRHM जिसे बोलते हैं, इसको 2005 में अधिनियमित किया गया, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। और इसका क्या लक्ष्य है ये आपको आपसे पूछ रहा है, इसका क्या लक्ष्य है? तो देखिए, 4 ऑप्शन है। तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना, यही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना यह इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है, और 2005 में इसे अधिनियमित किया गया था। प्रश्न 15 देखिएगा, आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में से अभिजात वर्ग को जन्म देती है, तर्क क्या है? आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा अधिपत्य किया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसे देखिए, ऑप्शन तो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग से अभिजात वर्ग को जन्म देती है, आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा अधिपत्य किया गया है, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, 2011 की भारतीय जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य है? 2016 की जो भारतीय जनगणना है उसमें सबसे आदर्श वाक्य क्या है? तो 4 ऑप्शन है, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। विकल्प डी, अवर सेंसस अवर फ्यूचर्स, तो विकल्प डी जो है आपका इसमें सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विकल्प बी जो है आपका सही है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, आपको पता है लाडमेगो काल में, और हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है। और प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। प्रश्न 18 देखिएगा, सती को अवैध घोषित किया गया था, कब सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था ये आपको आपसे पूछ रहा है, तो इसमें 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे अवैध घोषित किया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? पूर्ण गरीबी से संबंधित क्या नहीं है? तो देखिए, पूर्ण गरीबी से संबंधित क्या नहीं है, तो गरीबी रेखा पूर्ण गरीबी संबंधित है, जीवन की मूल आवश्यकताएँ भी, मेडिटेरियल डिप्रेशन भी, और ईपीपीडी इंडेक्स, यह आपका पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। विकल्प बी, बाकी ए सी और डी जो है संबंधित हैं। प्रश्न 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक नियंत्रण का क्या उद्देश्य नहीं है ये आपको आपसे पूछ रहा है, तो सामाजिक विद्वेष का विस्तार करना यह सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। समाज में समरूपता मजबूती और निरंतरता लाना यह सामाजिक उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। सामाजिक संगठन में स्थिरता और एकरूपता लाना यह भी उद्देश्य है। सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थिरता स्थापित करना यह भी उद्देश्य है, तो सामाजिक विद्वेष का विस्तार करना यह सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। विकल्प सी। प्रश्न 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रश्नता पर बल देती है? कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रश्नता पर बल देती है? तो प्रश्न 21 का डी सही है, प्रगति। प्रगति विकल्प डी जो है आपका सही है, प्रगति। प्रश्न 22 देखिएगा, SC दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो यह एक समाजशास्त्री हैं। SC दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है, मतलब परंपरा को कितने वर्ग में विभाजित किया है SC दुबे ने? तो इन्होंने विभाजित किया है 6 प्रकार में, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। वो 6 प्रकार कौन है? शास्त्रीय परंपरा, उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा और पश्चिमी परंपरा, और फिर स्थानीय उप संस्कृति परंपरा। ये कुल 6 भागों में इन्होंने परंपराओं को बांटा है, तो विकल्प 6 जो है आपका सही है, विकल्प बी।
प्रश्न 23 देखिएगा, निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययनरत में राउंडट्री ने किस अवधारणा को उपयोग किया था। निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंडट्री ने किस अवधारणा को उपयोग किया था, तो प्रश्न 23 का सी सही है, अवस्थिति निर्धनता, विकल्प सी जो है सही है, अवस्थिति निर्धनता। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है। मादक द्रव्य व्यसन का क्या प्रभाव नहीं है, तो शिक्षा का विकास जो है मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति मादक द्रव्य ले रहा है तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, अपराधों में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य में पूरा प्रभाव पड़ेगा, बार बार विघटन पड़ता है, तो शिक्षा में ये सब तो प्रभाव होते हैं मादक द्रव्य के लिए, ये थोड़ी प्रभाव होता है, विकल्प डी। प्रश्न 25 देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने किराया जीवी या सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है। किराया जीवी या सट्टेबाज शब्द का प्रयोग किया है किसने, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से, ये सभी सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषक हैं, इन लोगों में से किसने किराया जीवी या सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया है, तो किसने किया है, तो बी परेटो जो समाजशास्त्री हैं सामाजिक परिवर्तन के, इन्होंने किराया जीवी या सट्टेबाज शब्द का प्रयोग किया है, बी परेटो, तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी मुख्य सेविका यूथ कॉम्पिटिशन टाइम मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को, पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट का यह 14वां भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य सेविका यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं, दहेज प्रथा का क्या प्रभाव हो सकता है, तो लैंगिक भेदभाव, लड़कियों का विवाहित रह जाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, तो क्या या उपयुक्त सभी, तो क्या होगा, तो यह होगा उपयुक्त सभी, यह सभी दहेज प्रथा के ही कुप्रभाव हैं, विकल्प डी। प्रश्न 27 देखिएगा, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टेलकॉट पॉर्सन्स द्वारा नहीं किया गया है। टेलकॉट पॉर्सन्स एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत, कौन सा सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है ये आपको बताना है। तो देखिए, इन्होंने यह सिद्धांत सुरक्षा द्वार सिद्धांत यह उन्होंने दिया, जबकि सकारात्मक यांत्रिकी और नकारात्मक यांत्रिकी और चिकित्सकीय यांत्रिकी यह इनका सिद्धांत रहा है टेलकॉट पॉर्सन्स का, तो इसमें विकल्प ए जो है आपका सही है, सुरक्षा द्वारा यांत्रिकी यह इनसे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित हैं। प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दिशाएं बताई हैं। तो देखिए, एक पुस्तक है एशियन ड्रामा, या गुन्नार मेडल का पुस्तक है, गुन्नार मेडल का जी मेडल भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इन्होंने दक्षिण एशियाई समाज पर यह पुस्तक लिखा है एशियन ड्रामा, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतों पर जारी की जाती है। तो देखिए, किसी भी समाज की गरीबी नापने के लिए 3 प्रत्याशित कारण होते हैं, वो आपके होते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, लेकिन इन्हीं बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो कितने संकेतक बांटे गए हैं, तो 12 संकेतक हैं, जिसमें से आपका पोषण, स्कूली शिक्षा, स्कूल में नामांकन, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते आदि के आधार पर किया जाता है, तो कुल कितने संकेतक हैं, 12, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है, तो सामाजिक परिवर्तन किस पक्ष को प्रभावित करता है, तो देखिए, समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, संस्कृति विशेषताओं को, सभी को प्रभावित करता है, इनमें से तीनों, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 31 देखिएगा, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू किया गया था, यह मैंने अपने पीसीएस पाठशाला वाले टेस्ट सीरीज में मैं पूरा विस्तार से आपको दिखाया हुआ था, तो यह आपका 1961 में लागू होता है दहेज निरोधक अधिनियम, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 32 देखिएगा, एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ, तो क्या होगा इसका, तो इसका होगा 32 का बी सही है, आर्थिक व राजनीतिक रूप से, कोई भी जाति प्रबल तो आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रबल तभी बनती है जब वह आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करती है, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन सही हैं, संयुक्त परिवार के कौन कौन से दोष हैं, तो देखिए, संयुक्त परिवार के यह सभी दोष हैं, थ्योरी में मैं पूरा संयुक्त परिवार कंप्लीट कराया था, तो देखिए, व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों में वृद्धि, निर्धनता सामान्य एवं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बालक एवं गंदी आदतों का विकास, तो यह भी आपका है, द्वेष और तनाव के केंद्र और गोपनीय स्थानों का अभाव, इनमें से सभी होगा, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 34 देखिएगा, भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है,
देखिए, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना, मतलब विवाह विच्छेद का यह प्रमुख कारण है, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 35 देखिएगा, परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं तो कौन कौन से कार्य होते हैं परिवार के, ये आपको बताना है। तो इसमें विकल्प डी जो है सभी विकल्प सही हैं। परिवार क्या, सुरक्षात्मक कार्य, भावनात्मक और आर्थिक कार्य, सामाजिक और शैक्षिक कार्य, सभी विकल्प सही हैं, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 36 देखिएगा, यहाँ पर है कि 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो रेटिनॉल तो आपका प्रोटीन होता है, आपको पता है। तो यह किससे संबंधित है, तो यह आपका विटामिन ए से संबंधित है, विटामिन ए से, तो विकल्प बी, विटामिन ए से संबंधित है ये रेटिनॉल और ये सब तीनों जो है इसी संबंधित है, विटामिन ए से। प्रश्न 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग है, रोग नहीं है, तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है। तो देखिए आपको बता दूँ, डेंगू जो है विषाणु जनित रोग है, एड्स भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, यह सभी विषाणु जनित रोग हैं, जबकि रीडर पेस्ट जो है यह आपका विषाणु जनित रोग नहीं है, तो विकल्प डी जो होगा रीडर पेस्ट। प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 38 का डी सही है, डी, डिफ्थीरिया जो है आपका जीवाणु जनित रोग है, डिफ्थीरिया आपका, डिफ्थीरिया हुआ, प्लेग हुआ, सिफिलिस हुआ, टिटनस हुआ, हैजा हुआ, ये सभी जीवाणु जनित रोग होते हैं, तो विकल्प डी जो है डिफ्थीरिया जीवाणु जनित रोग है। प्रश्न 39 देखिएगा, प्रगति का अर्थ है, समाजशास्त्र में प्रगति किसे कहा जाता है, प्रगति का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन जब होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, एक निश्चित दिशा में जब वांछित परिवर्तन होता है तो उसे प्रगति कहते हैं, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 40 देखिएगा, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायक होती है, संक्रामक रोगों से के जीवाणु जो होते हैं उसे लड़ने के लिए कौन सी प्रोटीन सहायक होती है। तो इसमें आपका 40 का डी सही है, ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन होती है जो संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में सहायता करती है, विकल्प डी ग्लोबुलिन। प्रश्न 41 देखिएगा, काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है, तो काली खांसी को कुकुर खांसी भी कहते हैं, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, काली खांसी को पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है, तो विकल्प ए जो है आपका सही है, और काली खांसी को कुकुर खांसी भी कहते हैं। इसका विशेष प्रकार जो होता है बार्डेटेला पर्ट्यूसिस, यह इसका विशेष प्रकार होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो खांसने और छींकने के दौरान हवा में बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। प्रश्न 42 देखिएगा, प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय संकेत हैं, तो ये आपका गर्भाशय के टूटने का संकेत होता है, विकल्प डी। प्रश्न 43 देखिएगा, गर्भावस्था के प्रकार का नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में होता है और ट्यूब के 3 तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है, तो यह कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो इक्टोपिक गर्भावस्था, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 44 देखिएगा, भ्रूण प्रसंजन का वह भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवल्स बन जाता है, तो ये आपका होगा अंडाकार रंध्र, 44 का सी, अंडाकार रंध्र। प्रश्न 45 देखिएगा, भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है, भ्रूण की कौन सी स्थिति जो होती है वह जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो सिर का पिछला भाग, मतलब 45 का डी। प्रश्न 46 देखिएगा, पहली भ्रूण मूवमेंट जिसे माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह के दौरान महसूस किया जाता है कहलाता है, तो उसे क्विकनिंग कहलाता है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि शिशु का विकास स्पष्ट रूप से हो रहा है, तो विकल्प ए जो है आपका सही है, 16 से 20 सप्ताह के दौरान महसूस होता है। प्रश्न 47 देखिएगा, HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है, तो कब होता है, तो प्रश्न 47 का बी है, इंट्रानेल अवधि के दौरान यह जोखिम अवधि होता है। इसको थोड़ा सा व्याख्या के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसे आपको समझना होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए, HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए इंट्रानेल अवधि में जोखिम अधिक होता है। HIV निम्नलिखित माध्यम से फैलता है, गर्भाशय या जन्म के समय माँ द्वारा बच्चे का संचरण, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित खून चढ़ाने से, विसंक्रमित न की गई इंजेक्शन लगाने से, तो इससे होता है, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 48 देखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था, तो प्रश्न 48 का ये सही है, सिग्मंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था, विकल्प जी प्रस्ताव किसने दिया था, सिग्मंड फ्रायड, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, मानसिक क्षमताओं के विकास को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 50 देखिएगा,
पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था किस को क्या है? तो संकुचित परिवार, संकुचित परिवार यह पारिवारिक जीवन की अंतिम अवस्था है, विकल्प बी संकुचित परिवार। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम पर एमसीक्यू कराए जाते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम यूपी मुख्य शिक्षा प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद। पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख शिक्षा का प्रैक्टिस सेट है, यह प्रैक्टिस सेट संख्या 15 है। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख शिक्षा यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस सेट के नाम है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप पाए जाते हैं? 16, 32, 8 या 15? तो आप लोग की जानकारी लिए बताते हैं, हिंदुओं में जो विवाह के परंपरागत स्वरूप होते हैं वह 8 पाए जाते हैं, 8। तो इसका 51 का सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, 8। और यह 8 कौन कौन से हैं तो आप जान लें, ये जो 8 होते हैं, सबसे पहले आपका ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। प्रश्न 52 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग उसके कारक और जीव के बारे में सही नहीं है? तो ये बताना है। तो देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, बिल्कुल है, एड्स या फिर एड्स HIV से, और TB माइकोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है, लेकिन हैजा जो है उसका विब्रियो कैलोरी जो मक्खियों से होता है यह इसका है। हाँ, तो यह जो विकल्प डी है ये आपका सही नहीं है, तो विकल्प डी। प्रश्न 53 देखिएगा, 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंड जनन कौन से दिन होता है? तो यह आपको बताना है, तो इसमें आपका बी सही है, 14वें दिन, विकल्प बी। प्रश्न 54 देखिएगा, बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? तो बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है, तो विकल्प ए, यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेक बाधा आ सकती है। हाँ, तो यौन शिक्षा देना आवश्यक है। प्रश्न 55 देखिएगा, बालक में किस अवस्था में ईर्ष्याभाव उत्पन्न होता है? बालकों में ईर्ष्याभाव उत्पन्न होता है, लेकिन लड़कियों में ज़्यादा ईर्ष्याभाव उत्पन्न होता है, ऐसा मनोविज्ञान में भी है और इस व्याख्या में भी यही बात है। प्रश्न 55 का डी सही है, 3 से 4 वर्ष के मध्य में ईर्ष्याभाव उत्पन्न होता है, तो 55 का डी जो है आपका सही है। प्रश्न 56 देखिएगा, अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण है, तो अंडे की जो छिलके होते हैं उनका संरक्षण, जो अंडे का छिलका होता है जानते हैं, कठोर छिलका होता है, इसका संरक्षण आवरण जो है क्यूटिकल, तो 56 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 57 देखिएगा, राजमा में उपस्थित ऑक्जिलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धि को अवरोधित करते हैं? तो किसकी उपस्थिति को अवरोधित करते हैं, तो लौह तत्व एवं कैल्शियम की उपस्थिति को अवरोधित करते हैं, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 58 देखिएगा, फलों में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है फ्रुक्टोज होती है, विकल्प सी। प्रश्न 59 देखिएगा, बियर में सुरासार की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, एल्कोहल की कितनी मात्रा होती है बियर में, ये आपको बताना है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, आपका 3% ही एल्कोहल होता है बियर में, 3% ही होता है, तो 59 का जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। प्रश्न 60 देखिएगा, प्राणिज भोज्य पदार्थों वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो उपयुक्त सभी, मतलब प्राणी भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ, क्या खनिज लवण मिलता है, वसा भी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, उपयुक्त सभी होगा, विकल्प डी। प्रश्न 61 देखिएगा, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृतें होती हैं? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, निर्जलीकरण, विकल्प सी। प्रश्न 62 देखिएगा, जैली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 62 का डी ऑप्शन सही है, सीनेरेसिस। 62 का डी ऑप्शन सही है, सीनेरेसिस। प्रश्न 63 देखिएगा, सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड जो पाया जाता है वह सिरके में पाया जाता है, विकल्प ए। प्रश्न 64 देखिएगा, फलों और सब्जियों की उनके मूल भार में 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना कहलाता है, तो प्रश्न 64 का बी ऑप्शन सही है आपका, डी हाइड्रो फ्रीजिंग। एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि PCS पाठशाला का अपना वेबसाइट बनकर तैयार हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट आप ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट पर आपको टेस्ट सीरीज पूरा निःशुल्क मिल रहा है, तो और जो मुख्य शिक्षा के जो आर्टिकल हैं वह भी आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो जो भी लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं,
और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में मैं कल 15 क्वेश्चन डाला हूँ और रोज़ 15 या 10 क्वेश्चन लगातार डाले जाते रहेंगे, तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए विजिट करिए। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी और देना भूल गया था, तो यह मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, कल वीडियो बनाया था इस पर। प्रश्न 65 देखिएगा, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो प्रश्न 65 का बी सही है, ऑक्टोपोरोसिस, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 66 देखिएगा, एक शिशु को स्तनीय मोचन पदार्थ देने की जरूरत करने की सही आयु क्या है? तो 66 का बी ऑप्शन सही है, 6 महीना, 6 महीना। प्रश्न 67 देखिएगा, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है, तो शिशुशाला में जो दिनचर्या का प्रारंभ होता है वह कैसे होता है? प्रार्थना गीत के साथ, प्रार्थना गीत के साथ, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 67 देखिएगा, प्रश्न 68, विकास का क्रम क्या है? विकास का क्रम क्या है? प्रश्न 68 कह रहा है विकास का क्रम क्या है, तो यह है सिर, सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर मुख का होता है, फिर गर्दन का होता है, फिर धड़ का होता है, फिर पैर का होता है, तो यही विकास का क्रम है, तो विकल्प सी जो है वो ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 68 देखिएगा, प्रश्न 68, हरला के अनुसार सहसा अवस्था है तो जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से 1 वर्ष की अवस्था जो होती है वह आपका सहसावस्था है हरलाक के अनुसार। प्रश्न 70 देखिएगा, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी है, हरलाक एक प्रकार के समाजशास्त्री हैं। प्रश्न 70 देखिएगा, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? तो वृद्धि, शारीरिक परिणामों में देखिए, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है? तो वृद्धि होता है, ऐसा मत सोचिएगा वृद्धि और विकास दोनों आए, वृद्धि और विकास नहीं आता है। जब शारीरिक रूप से वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, तो उसे वृद्धि कहते हैं, और जब मानसिक विकास होता है तो विकास कहते हैं, तो विकल्प ए जो है आपका सही है, वृद्धि। प्रश्न 71 देखिएगा, लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय मलाशय पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं? तो किस उम्र में मूत्राशय मलाशय पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं? तो 72 का डी होता है, 3 वर्ष तक, इकहत्तर का सी है, 2 वर्ष तक बच्चे जो होते हैं अपने मूत्राशय और मलाशय त्याग करते हैं, इसमें नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं कि कब उन्हें त्याग करना है, तो विकल्प सी जो है आपका सही है, 71 का सी। प्रश्न बता देखिए, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक जो है अल्फ्रेड बिने हैं, अल्फ्रेड बिने, विकल्प डी। प्रश्न 73 देखिएगा, यह फिलिंग गैप है, मूल्य का एक साधन है, मूल्य एक साधन है, तो भाषा यह मूल्य एक साधन है, भाषा जो है मूल्य का एक साधन होती है भाषा, तो 73 का विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 74 देखिएगा, शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास, तो शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का जो विकास होता है यह क्रियात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास का उदाहरण है, 74 का ए जो है आपका सही है। प्रश्न 75 देखिएगा, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? तो श्वसारोध, मतलब श्वसन लेने में अवरोध ही शिशु मृत्यु का कारण है प्रथम 4 सप्ताह में, तो 75 का जो ए ऑप्शन है वो आपका, क्षमा करिएगा, 75 का डी सही है, श्वसन रोध भी है और जन्मजात असमानताएं भी हैं और संक्रमण भी हैं, इसमें 75 का जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और वही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट और पूरे यूट्यूब पूरे मतलब कि कहीं भी आपको उत्तर प्रदेश मुख्य सहिका की स्टडी मटेरियल, चाहे आपका टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपके स्टडी मटेरियल जो हों, लेख हों, संपादकीय हों, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे जल्दी मिलेगा नहीं, और पूरी तरह से आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट को विजिट करते रहिए, धन्यवाद। वहाँ सारी टेस्ट सीरीज वेबसाइट में डाल दिया गया है, डाला जाता रहेगा, 10 या 15 क्वेश्चन लगातार डाले जाते रहते हैं। पाठशाला में आप सभी का स्वागत है, यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुख्य सहिका का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, या प्रैक्टिस सेट संख्या 16 है मित्रों। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम यूपी मुख्य सहिका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, 10 से 15 क्वेश्चन की सीरीज आपको वेबसाइट पर भी मिल रही है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वेबसाइट को जरूर देख लीजिए, पीसीएस पाठशाला की अपनी वेबसाइट है, और वहाँ पर आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज डेली बाय डेली आप लोगों को मिलती रहेगी, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वेबसाइट आप लोग जरूर देख लें, वहाँ पर सब कुछ निःशुल्क सामग्री आपको मिलता रहेगा परीक्षा होने तक। आइए शुरुआत करते हैं, प्रश्न संख्या 76 देखिएगा, खीस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं
क्या होता है, तो आपके रिक्त स्थान पे क्या रहेगा, तो ये प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी। विकल्प डी जो है, डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 77 देखिए, किस उम्र के बच्चों के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तो किस उम्र के बच्चों के लिए जन्म नवजात प्रयुक्त होता है, विकल्प डी जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए नवजात प्रयुक्त किया जाता है, जन्म से 2 वर्ष के बच्चों के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है, और 2 से 6 शिशु कहा जाता है। प्रश्न 78 देखिएगा, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि होती है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 78 का डी ऑप्शन सही है, सभी हानियाँ होती है, नर्स की हृदय व्यवस्था से ठीक से प्रसूति की देखभाल नहीं हो पाती, पैसा भी बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है, तो उपरोक्त सभी। ये प्रश्न थोड़ा अटपटा लग रहा है, हाँ यह उस हिसाब से उतना कुछ यह आपका कुछ सही नहीं है मेरे हिसाब से, अब आप लोग देख लीजिए। वैसे तो इसमें ऑप्शन में उत्तरमाला में डी ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब भाई। प्रसव अस्पताल में तो भाई इसीलिए अस्पताल बनाया गया है कि अस्पताल में यह कार्य हो, तो यह हानि का कहाँ से आ गया। प्रश्न 79 देखिएगा, गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों के प्रयोग से शिशु में हो सकता है, तो क्या हो सकता है, तो माइक्रोसेफाली हो सकता है, विकल्प बी एक प्रकार का रोग होता है, यह शिशु में देखने को मिल सकता है, विकल्प बी। किस अंग, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण की माता के रक्त से पोषण मिलता है, तो वह अंग जिसके तो गर्भनाल के द्वारा ही पोषण मिलता है, तो विकल्प सी जो है सही है आपका। प्रश्न 81 देखिएगा, कार्पस ल्यूटियम स्रावित करती है, तो क्या स्रावित करती है, तो यह ए और सी ऑप्शन होगा, विकल्प बी, मतलब प्रोजेस्ट्रान और एस्ट्रोजन यह दोनों ही स्रावित करती है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 82 देखिएगा, जल और भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं, जल और भोजन जो होते हैं मक्खी के कारण ज़्यादा संक्रमित होते हैं, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 83 देखिएगा, पुष्टिकर पदार्थ होता है तो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता है, पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करता है, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, 83 का ए जो है सही है आपका। प्रश्न 84 देखिएगा, जब ध्वनि ग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूप ग्राम बनता है, जहाँ ध्वनि ग्राम होते हैं तो क्या होते हैं, तो भाषा बनाने वाली ध्वनि होती है, मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है, 84 का भी सही है। प्रश्न 85 देखिएगा, पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है, तो पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है, तो 85 का ए सही है, सहज क्रिया 85 का ए सही है, सहज क्रिया। प्रश्न 86 देखिएगा, मातृ और बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय क्या है, तो मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा पर प्रसार, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, 86 का सी। प्रश्न 87 देखिएगा, शिशु को खसरे का टीका इस उम्र पर लगाया जाता है, तो शिशु को खसरे का टीका किस उम्र पर लगाया जाता है, तो 9 माह पर लगाया जाता है, विकल्प डी जो है वो आपका सही है, 87 का डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 88 देखिएगा, एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल सीख सकता है, तो एक बच्चा जो है किसके द्वारा मोटर स्किल सीख सकता है, तो प्रतिरक्षण और त्रुटि बुद्धि नकल करना प्रशिक्षण सबसे यह मोटर विकल्प सीख सकता है, विकल्प डी। प्रश्न 89 देखिएगा, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है, तो क्या होता है, BMR जो होता है अधिक होता है, अधिक, 89 का जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। प्रश्न 90 देखिएगा, मैरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि मैरस्मस एक प्रकार का रोग होता है और इससे प्रभावित जैसे हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, तो इसी प्रभावित जो बच्चा होता है कमजोर होता है, क्योंकि वह कमजोर होता है, हड्डियाँ प्रभावित होती हैं, हड्डी कमजोर हो जाती है, तो विकल्प जो है आपका सही है आपका। प्रश्न 91 देखिएगा, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, तो कैसे होता है, उबालने से पोषक तत्वों का जो धारण क्षमता होती है अधिक होती है, विकल्प सी। प्रश्न 92 देखिएगा, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है, तो शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सभी प्रकार का कार्य करता है, विकल्प डी।
ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं, ये आपको बताना है। तो 93 का जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है, मतलब 3.5, 2.5 फिर 1.5, मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 94 देखिएगा, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? कैल्शियम के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह क्या हैं? तो 94 का बी ऑप्शन सही है, बी 94 का बी ऑप्शन सही है। बी क्या कर रहा है, 1, 2, 3, 4, हड्डी की संरचना, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना, रक्त जमाना, झिल्ली की पारगम्यता, ये सभी सही हैं। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 95 देखिएगा, शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है, ये बताना है आपको। तो 95 का बी ऑप्शन सही है, मतलब विटामिन डी। फिर प्रश्न 96 देखिएगा, परामर्श एक है, परामर्श एक है तो क्या है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है परामर्श, परामर्श जो है एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 97 देखिएगा, प्रभावी परामर्श के लिए क्या करना चाहिए, प्रभावी परामर्श के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, मतलब प्रार्थी के साथ अच्छे संबंध विकसित करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और शिकायतों को ध्यान से सुनना चाहिए, मतलब उपरोक्त सभी, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 98 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विकल्प सी जो है सही है, इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। प्रश्न 99 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए कार्य करती है, तो वो है आपका यूनिसेफ, विकल्प सी। प्रश्न 100 देखिएगा, UNFPA की आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के तहत लैंगिक समानता सूचकांक कितनी है, तो ये है 0.98, तो विकल्प ए जो है आपका सही है, 0.98। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, इसके पहले का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, यूपी मुक्सोईका उत्तर प्रदेश यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुक्सोईका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट में नहीं हुआ, प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को देखिए, 25-25 क्वेश्चन की सीरीज में डालता हूं, और जैसे ही 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता है एक फुल प्रैक्टिस सेट भी दे देता हूं, तो यूथ कंपटीशन टाइम्स फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वेबसाइट को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ 10 से 15 क्वेश्चन डेली बाय डेली मैं डालता रहता हूँ वेबसाइट पर, तो आप लोग बिल्कुल देखा करें। धन्यवाद।